जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल पुलिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो अब एग्जाम यानी कि फरवरी माह के में होने वाली जो भर्ती जो हिमाचल पुलिस की चल रही है और जिसकी परीक्षा जो है वो फरवरी और मार्च महीने में होने जा रही है। तो मैं सभी युवाओं को कहूंगा कि अब तैयार हो जाओ और इस बार जो है हम वर्दी जो है वो हमने पहननी है। और इसके लिए जो है मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो हमारे साथ इस सीरीज में जुड़ जाइए। और दूसरा कि हमारे आप टेलीग्राम में जुड़े और उससे मैक्सिमम नोट्स को प्राप्त करने की कोशिश करें और उससे आप पढ़ाई साथ साथ करें। मॉक पाने के लिए आप प्ले स्टोर का इस्तेमाल करें, प्ले स्टोर से आप जो है विजय पथ एजुकेशन पालमपुर की जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करें और उससे अपने मॉक्स दें। और पुराने प्रीवियस पेपर्स के भी मॉक्स जो हैं वो भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो डाउनलोड करिए विजय पथ एजुकेशन पालमपुर की। गूगल प्ले पे जाएं और डाउनलोड करें विजय पथ एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज का सिलसिला। तो पहला प्रश्न आपका ये रहा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की शहरी आबादी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं 9.8%, 10.03%, 11.2% या 12%। अपने कमेंट जरूर करें, आपको क्या नॉलेज है कि पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी, वो भी नियमित रूप से जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। और जरूर बताएं कि जनगणना जो है वो कितने समय बाद होती है। तो मैं आप ही को बता देता हूं, जनगणना हर 10 साल बाद करवाई जाती है, यानी कि 2021 में भी अभी जनगणना शुरू हो चुकी है और हो रही है। तो इसका आंसर जो है वो 10.03 है, बी ऑप्शन। सर्वाधिक जनसंख्या अगर मैं बता लूं कि हिमाचल की सबसे ज्यादा कहां की है, तो शहरी आबादी जनसंख्या जो है वो हमारे शिमला शहर की है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 972, 976, 982 या 992। चार ऑप्शन हैं, आप इन ऑप्शन में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो कमेंट करते रहें साथ साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर है 972, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खीरखंड, जो खीरखंड है वो हिमाचल के किस जिले में है? बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना या कुल्लू। तीन चार ऑप्शंस हैं, आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो खड्ड है खीर खड्ड, ठीक है, इसके साथ दो खड्डे और भी हैं जिनका नाम अली और गब्बर खड्ड है और खीर खड्ड है। ये तीनों मिलकर एक नदी के साथ मिलती हैं जिसका नाम सतलुज है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिलासपुर। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन गिनी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से नोट करें। और इसका पीडीएफ पाने के लिए जो है, या आप इसके क्वेश्चन पाने के लिए जो है हमारे साथ टेलीग्राम पर जो है हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? मिंजर मेला कहां पर लगता है? कांगड़ा, चंबा, मंडी या शिमला। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है चंबा। चंबा में जो है वो मिंजर मेला जो है वो मनाया जाता है। थोड़ा सा डीपली आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमीर उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? सिरमौर, सोलन, कांगड़ा या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप दें, और इसका करेक्ट आंसर है, सभी के कमेंट साथ साथ आते रहने चाहिए। तो इसका आंसर है हमीरपुर,
इनमें से कोई नहीं। हमीरपुर में जो है हमीर उत्सव जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? बिनवा किस प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शंस है ब्यास, यमुना, सतलुज या रावी। कौन सा आंसर रहेगा? आप ए बी सी डी में चार ऑप्शंस है, जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहे। तो करेक्ट आंसर है बिनवा। बिनवा नदी जो है वैनाथ के साथ में ही है और ये ब्यास नदी का जो है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नाको झील किस किस जिले में है? ऑप्शंस है किन्नौर, कांगड़ा, सोलन या हमीरपुर। और ब्यास जो नदी है वो ब्यास कुंड से निकलती है और हिमाचल की जो बिनवा नदी है वो ब्यास की सिर्फ सहायक नदी है, ना कि उसका उद्गम स्थान है, ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है जी। और नाको झील जो है वो किन्नौर में है, ए ऑप्शन, जो कि सोरंग झील को भी उत्पन्न करती है, बनी है उसके ऊपर या सोरंग झील के नाम से जानते हैं, ये समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे? दातार चंद, हरिचंद, जयचंद या दीपचंद। चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है हरिचंद। तो हरिचंद जो थे वो हिमाचल प्रदेश के गुलेर रियासत के जो है वो संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, नूरपुर रियासत की राजधानी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर थी? पठानकोट, बसंतपुर, नगर या हालोंग। तो चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से अपना आंसर दें। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नूरपुर के लिए हम घमेरी नाम यूज करते थे, ओल्ड पुराना नाम है, जिसके संस्थापक जो है नूरपुर के वो जेठपाल हैं और ये पठानकोट के पठान की जो है हिमाचल प्रदेश के स्थान पर थी, यानी कि नूरपुर रियासत जो है वो पठानकोट के साथ में लगती रियासत थी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा और बहुत उम्दा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर हमने बनाए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिमाचल पुलिस के लिए तैयार हो जाएं हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौर का प्राचीन नाम क्या है? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें आप। ब्रह्मपुर, ब्यासपुर, किरग्राम या दियोरहा। एबीसीडी चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है इसका ब्रह्मपुर, जिसको हम 84 मंदिर के नाम से जानते हैं भरमौर को। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को लोकप्रिय रूप से पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं? नालागढ़ है, नालदेहरा है, सुजानपुर या राजगढ़। चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर दें। चार आंसर हैं, पीच बाउल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मैं बोल दूं, सिरमौर में जगह है और आंसर है इसका डी, राजगढ़। राजगढ़ जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई? बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं और रिसेंटली आए हैं, आप जरूर तैयार करें। तो इसकी ऑप्शन जो है वो थी 1936 थी, 1942 थी, 1945 थी, 1947। और आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है, 1936 जो है एडी, यानी ए ऑप्शन जो है वो बहुत ही मतलब इसकी स्थापना हुई थी और उमदा सवाल था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम ऊर्जा पन बिजली परियोजना का कार्य किस अभिकरण के अंतर्गत है? एचपीएससीबी, एनएचपीसी, एनटीपीसी या बीबीएमबी। तो करेक्ट आंसर जल्दी से अपना दे। हिम ऊर्जा जो है वो पन बिजली की है, तो ये हमारी बिजली से जुड़ी है, पन यानी कि पानी से, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एचपीएसईबी। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्मी ट्रेनिंग कमांड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सुजानपुर, दिशाई, कसौली या शिमला? चार ऑप्शंस हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा शिमला। तो शिमला में कहां जैसे होगा ये आप देखें, और आंसर डी ऑप्शन है। तो शिमला में ये आर्मी का जो है वो ट्रेनिंग कमांड सेंटर है हिमाचल का। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आ जाता है आज का। जांगी मठ हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ओछा घाट, काजा, कल्पा, रिकांगपियो, चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर दें। तो इसका क्या आंसर रहेगा, मैं सीधा आपको आंसर ही बता दूंगा। तो इसका आंसर है कल्पा, जो कि किन्नौर में स्थित है। तो आज का आपको सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आपके लिए इसी प्रकार के नए से नए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बैंक लेकर आऊंगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहें इसी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मॉक पाने के लिए जो है प्ले स्टोर से जो है एंड्रॉइड के विजयपथ एजुकेशन के मॉक्स जो है वो चेक करें और वहां से प्ले करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।